राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव नजदीक है, हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी पर बनी है तो वो है गुजरात का विधानसभा चुनाव। गुजरात विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, गुजरात में जीत किस पार्टी की होगी और युवा यंगस्टर्स इस बार किसको वोट देना चाहता है, जिस पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बात करेंगे जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो ये जरूर बता रही है, कहीं ना कहीं वो ये जरूर दिखा रही है कि शायद आने वाले वक्त में, शायद आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा जो फेरबदल है वो होता जरूर नजर आएगा। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले जो युवा वोटर है वो लगातार आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि गुजरात में इस वक्त चारों तरफ आम आदमी पार्टी के जीत का डंका बजता हुआ अभी से नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात की जनता इस बार बदलाव की बात कर रही है। गुजरात की जनता इस बार बदलाव को लेकर तमाम तरह से अपनी बातों को जिस तरह रख रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या गुजरात में वाकई इस बार बदलाव हो रहा है। और गुजरात में जो बदलाव हो रहा है इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी अब बहुत आगे निकल चुके। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की बहुत कोशिशें की, तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का रास्ता रोक पाने में बीजेपी नाकामयाब रही। लेकिन सीधे सीधे तौर पर अगर देखें तो जो आज के हालात हैं या जो आज की स्थितियां हैं वो सीधे तौर पर ये जरूर बता रही है कि शायद आने वाले वक्त में गुजरात से अगर बीजेपी को बड़ा झटका लगता है तो साल 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी असर पड़ता नजर आएगा। हालांकि गुजरात चुनाव से पहले आम जो युवा लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन महिला वोटर्स का रुझान भी आम आदमी पार्टी की तरफ देखने को मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को लेकर जो दांव खेला है ये दांव बहुत बड़े हद तक फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा जो फेरबदल है वो होता नजर आ रहा है, और जो फेरबदल हो रहा है इसका मतलब ये है कि गुजरात में क्या अगर जीत हासिल नहीं कर पाती आम आदमी पार्टी तो क्या 50 से ज्यादा सीटें निकाल पाने में कामयाब होगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।